Welcome to Punjab Kesari Navodaya Times TV and hi, this is Sonali. As we all know, the second season of Dance Diwane has been started. So right now, I have the judge and the host of the show. A very warm welcome to you guys. Thank you so much. Thanks a lot. So, Arjun and Tushar, I want to know कि इस सीजन में क्या कुछ नया हो रहा है, कितने मजे कर रहे हो आप लोग, क्या कुछ सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सीजन की एक्सेप्ट माधुरी? नहीं, माधुरी मैम तो नंबर वन पे रहेंगी, रीजन वो तो नंबर वन है एक्सेप्ट माधुरी. आई थिंक इस बार का जो टैलेंट है, इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं जनरेशन 1, 2 और 3 से, वो कम बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छे डांसर्स हैं. और जब भी मैं तो हैट्स ऑफ, मतलब इनके लिए इतनी मुश्किल काम है बिकॉज एक से बढ़कर एक एक्ट होता जा रहा है और उसमें से जज करना और फिर किसी को रिवाइंड देना, हर हफ्ते एक एक जनरेशन में से एक एक कंटेस्टेंट को घर भेजना, आई डोंट नो कितना दिल पे पत्थर रख कर ये लोग वो डिसीजन लेते हैं. और मैं तुषार को देखता रहता हूँ सेट पे जब कैमरा रोल नहीं हो रहा था, और ये सारे इतने टेंशन में रहते हैं कि अब करें क्या, मतलब ये भी अच्छा था वो भी अच्छा था. सो आई थिंक एज अ शो लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं उनको. एंड हमारी मस्ती तो हम कर ही रहे हैं और उसको हमने थोड़ा और बढ़ा दिया है. तुषार के एब्स डीपर हो गए हैं. माधुरी मैम की स्माइल और भी ब्यूटीफुल हो गई है और शशांक सर पतले हो गए हैं. And what about you? Arjun ki masti aur double ho chuki. Haan, meri masti double ho chuki. Tell me, what is the most challenging part of being a judge? Especially for this show, the format बहुत difficult है क्योंकि तीन different generations हैं और आपस में compete कर रहे हैं. एक 60 years का आगे perform करेगा और एक 6 साल का आगे perform करेगा, तो उनको कैसे जज करें? I think सबसे ज़रूरी है पहले तो emotions को side में रखें. Secondly, जब performer stage पे आता है तो as a individual उसको judge करें. We can't compare एक 6 साल के 60 साल के. बहुत ज़रूरी है एज ए इंडिविजुअल उनको देखें कि आपको क्या दिया गया था और आपने कैसे निभाया है उसको, तो दैट्स द क्राइटेरिया वी फॉलो. सो कमिंग टू यू अर्जुन, जस्ट पिक वन थिंग, एक्टिंग और होस्टिंग. वन थिंग, क्रिस्टल क्लियर एक्टिंग, होस्टिंग इज हैंगिंग बिलो. एंड व्हाई सो? वाई सो? बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड येस आई नो द शो इज़ पॉपुलर, सो पीपल से होस्ट एंड दिस एंड दैट, बट आई एम एन एक्टर हु इज़ अ होस्ट. आई एम नॉट अ होस्ट हु वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर. अर्जुन, आपने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे अपने क्यूट से बेटे की क्यूट सी वीडियो डाली थी एंड इट सीम्स कि आपका बेटा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था डांस में. सो बींग अ पेरेंट, क्या आप अपने बेटे को किसी रियलिटी डांस शो में अलाउ करोगे? I think education is very important. Of course, I'll put him in a dance class. I'll give him the best dance class. Dance class, if you, I take him for the swimming also. I'm going to make him do gymnastics also. I'm going to make him do everything which he should learn as a child. But I don't want him to be too exposed with this whole TV and everything because मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बहुत बच्चों पे फर्क पड़ता है. हालांकि मैं खुद एक टीवी रियलिटी शो का होस्ट हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे अफेक्ट होते होंगे लाइमलाइट एंड ऑल, लाइमलाइट से या उससे. तो मुझे लगता है कि मैं अयान को उससे जितना हो सके दूर रखूँ. इनोसेंस, वो एक इनोसेंस जो रहती है, मैं नहीं चाहता कि स्कूल में वो जाए तो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझे. वो बाकी बच्चों की तरह उसे, यू नो, ही शुड फील, ही शुड बी इक्वल. ओके, ये आखिरी सवाल रहेगा. बीइंग नॉन जजमेंटल, इस बार आप कौन से जनरेशन को जीतते हुए देखना चाहेंगे? मैं आप दोनों से ही पूछ रहा हूं. मैं तो थर्ड जनरेशन, इवन आई रियली वांट, बिकॉज़ आई विल टेल यू, फर्स्ट सीजन फर्स्ट जनरेशन से जीत चुका है, ठीक है, बच्चे सेकंड और थर्ड. थर्ड जनरेशन से हमारा बहुत लगाव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब वो 20s में थे अपने, तब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था. दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म दे हैव और मुझे बहुत मजा आएगा. इनफैक्ट आई थिंक अर्जुन भी यही चाहते हैं कि कोई थर्ड जनरेशन. मैं तो सीजन वन में भी मैंने कहा था कि मेरा फेवरेट थर्ड जनरेशन, और उसका रीज़न ये है कि देखिए, पहले तो जो लोग सिर्फ शो देखते थे, यहाँ शो का हिस्सा है नंबर वन. दूसरी बात ये कि उनकी अपनी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल होता है. मुझे पता है कि कितनी दिक्कत होती है, शायद कुछ एलिमेंट्स होंगी, मतलब यू नो, किसी का बीपी हाई है, किसी को कुछ है, किसी का क्या है, बट वो 8 घंटे रिहर्सल करना, कम्पीट करना और इतना अच्छा परफॉर्म करना इस एज में आकर और हार नहीं मानना, जो चीज़ कितने सारे लोगों ने गिव अप किया था बिकॉज ऑफ डांस दीवाने, उनका वो फिर से जागरूक हुआ है. और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगले थर्ड सीज़न में जब आएँ तो थर्ड जनरेशन से हम चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि कई सारी, कितनी सारी इच्छाएँ मरी होंगी कुछ साल पहले, या यू नो,
कि जिनको डांसिंग करना था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो वो आज वो पूरा हो सकता है और मैं चाहता हूँ कि लोग डांस दीवाने पर आए और अपना वो सपना पूरा करें। तो मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू अधूरा हो जाएगा डांस के बिना। तो ये थी खास बातचीत तुषार के साथ और अर्जुन के साथ। बाकी के अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।